समझा बन के इश्क थोड़ा ज्यादा होठों से नहीं तेरे दिल से ना है हाल जो मेरा पूछ ले मेरा दिन। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही खतरनाक एवी प्लेयर का टैम्पलेट देने वाला हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये टैम्पलेट आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रीव्यू देख के पता जरूर से कर लिए होंगे कि आज का टैम्पलेट कितना खास है। तो अगर आप लोग भी अपने फोटो का इस प्रकार का टैम्पलेट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखना, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको टैम्पलेट को डाउनलोड करना होगा। टैम्पलेट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि कोई भी सॉन्ग वगैरह जो भी यूज है, मतलब ऑल मटेरियल का लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले टैम्पलेट डाउनलोड करने के बाद आपको एवी प्लेयर को ओपन कर लेना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जैसे आप लोग एवी प्लेयर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में टैम्पलेट लोड करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आने वाला है आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे एडिटिंग क्या करना है बेसिकली वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या आपको एडिटिंग करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसा कर रहा हूँ बिल्कुल आपको भी वैसा ही करना है, वरना अगर आप लोग कुछ अपना मतलब खुद से कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो फिर सेव नहीं होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना होगा सेटिंग्स करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे बाद में हम लोग बिजी इमेज लगाएंगे, यानी कि बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। पहले सब सेटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों उसके नीचे देखते हैं आपको फ्रेम पीएनजी मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। पहले ऑर्जिनल पे जाते हैं, इसको सबसे पहले विजिबल कर देना है, ठीक है। सो गाइस ये पहले आपको कर लेना है। उस पर नीचे आपको आना है, यहाँ पे जनरेटेड एल्बम आर्ट का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके नीचे वाला भी अनटिक कर देना है। तो यहाँ पे फ्रेम पीएनजी यहाँ पे शो हो जाएगा, उसके बाद आपको बैक कर लेना है, ठीक है। तो उसी के नीचे आपको एक कलर का जिफ मिलेगा, ठीक है, जीआईएफ, तो इसको आपको क्लिक करना है, जैनल पे जाना है और इसको यहाँ से विजिबल एनेबल कर देना है, ठीक है। और इतना करने के बाद भी यहाँ पे शो नहीं करेगा कलर, तो उसके लिए हमें भी नीचे जाना होगा जनरेटेड एल्बम आर्ट में, और यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेगा, तो तीनों को आपको अनटिक कर देना है सिंपली से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कलर शो हो जाएगा। उसके नीचे आएगा यहाँ पे बार्स, ठीक है, तो बार्स पे आपको क्लिक करना होगा, जनरल पे जाना है, इसका विजिबल एनेबल कर देना है, बस सिंपल से इतना आपको कर देना है, ठीक है। तो ये भी शो हो गया। उसके बाद दोस्तों नीचे आता है यहाँ पे माई लव टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं माई लव का जो टेक्स्ट है ऊपर में, इसको चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हैं, वो तो आपको आता ही होगा। और उसके नीचे जो यहाँ पे स्मोक है ये मैंने पहले से एनेबल कर रखा है। उसके नीचे आपको ब्लर इफेक्ट मिलेगा दो आपको, ठीक है, तो ऊपर वाले ब्लर इफेक्ट पे आपको क्लिक करना होगा और इसका यहाँ से विजिबल एनेबल कर देना है, ठीक है। सो गाइस इतना जैसे आप लोग कर देते हैं उसके बाद आपको बैक कर लेना है और नीचे वाला ब्लर इफेक्ट आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको पूरा नीचे आना है, कंपोजिशन वन के नीचे आपको पार्टिकल मिलेगा हार्ट वाला, तो इस पर क्लिक करना है और इसका विजिबल एनेबल कर देना है। सो गाइस इतना करने के बाद आपको फिर से नीचे आना है, यहाँ पे जैसे और एक पार्टिकल मिलता है, यहाँ पे बीजी इमेज जो टैग मैंने दे रखा है तो इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे सबसे पहले विजिबल एनेबल कर देना है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे जैसे आप लोग एनेबल कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे फोटो शो नहीं होगा, तो शो कराने के लिए अभी हमें क्या करना होगा, कलर का जो यहाँ पे ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे एक व्हाइट रहेगा ऊपर में एक ब्लैक रहेगा, तो आपको ब्लैक वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे थोड़ा सा इधर स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ, ठीक है। और नीचे जैसे आप लोग करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं जो कलर आपको मिलेगा, तो इसको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इधर आपको कर देना है, ठीक है, यानी कि खींच के पूरा फुल कर देना है। पहले मैंने जीरो कर रखा था, तो इसको यहाँ पे व्हाइट पे सेलेक्ट कर लेना है, तभी जो है ओरिजिनल कलर यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आपको बैक कर लेना है और इतना करते ही अगर आपका फोटो शो नहीं होता तो यहाँ पे जनरेटेड एल्बम आर्ट में आना है, यहाँ पे इसको अनटिक कर देना है, ठीक है, शो हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कुछ इतना मतलब सिंपली से इतना सा आपको यहाँ पे सेटिंग्स करना है और यहाँ पे हमारा टैम्पलेट पूरी तरह रेडी है। चलिए मैं आपको दिखाता भी हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा टैम्पलेट बन चुका है। तो इसको गाइस आप लोग जरूर से आईजी पे और एफबी पे भी अपलोड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में है। तभी क्या करते हैं इसको एक्सपोर्ट करते हैं कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना होगा, यानी जैसे वीडियो भी आपको यहाँ पे गए जैसे 620 डालना है, ठीक है, और वीडियो हाइट यहाँ पे 1080 डालना है और फ्रेम रेट वगैरह आपको ऐसे ही रहने देना है, तभी आपका क्वालिटी अच्छी आएगी। दोस्तों होप करता हूँ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा आज का यह ट्यूटोरियल। तो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना और कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।